दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायड़े और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। तो चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में कुछ बेसिक बातें। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। योजना 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च की जाएगी। इसका प्रारंभिक परिव्यय 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विश्वकर्मा को समग्र संस्थागत समर्थन प्रदान किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में। तो इसका उद्देश्य है कारीगरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों की मदद करना, और दूसरा उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों की समृद्ध परंपराओं को बनाए रखते हुए उनका विकास करना। अब बात कर लेते हैं इस योजना के लाभ और महत्व की। तो इस योजना से पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों विशेषकर ओबीसी समुदाय को लाभ होगा। इसके साथ ही यह योजना श्रमिकों विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े समुदाय, महिलाओं व समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएगी। और आखिर में बात इस टॉपिक से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। इस साल की शुरुआत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास पैकेज की घोषणा की थी। ये पैकेज उनके उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच को बढ़ाकर उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करेगा। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कारीगरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों की मदद करना, ऑप्शन बी पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की समृद्ध परंपराओं का विकास करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।